हेलो एवरीवन, इस वीडियो दे विच आपां गल करांगे ईडीटी 2364 भर्ती संबंधी जो अपडेट है उस रिगार्डिंग जो केस वगैरह चल रहा है उस रिगार्डिंग। लेकिन भले ही ये भर्ती जो है 2364 है, लेकिन इसनों जो ईटीटी 6635 भर्ती दे विच ज्वाइन कर चुके साथी आ वो इस वीडियो नू जरूर देखन, क्योंकि ये उन्हां दे लई भी उन्नी ही जरूरी है। सो गल करांगे इस वीडियो दे विच जो कोर्ट केस है उस संबंधी की अपडेट है। सो शुरू करते हैं। सब तो पहला जो कोर्ट केस अपडेट है वो तुहाडे नाल सांझी करदा मैं, उस तो बाद जो गल्लां ने कुछ वो डिस्कस करांगे और 2364 संबंधी जो पैनल मीटिंग हुई है उस बारे भी डिस्कस करांगे और जो सहयोग की गल करनी है वो भी डिस्कस करांगे। सो जिवें कि तुहानू सब नू पता है कि 2364 भर्ती दे उपर जो मेन केस है वो 3363 है, ठीक है, CWP 3363-2021। ये भर्ती बहाल करवाने के लिए काफ़ी सारिया CM रिव्यू एप्लीकेशन LPA वगैरह जो है लगाई गई, जिन्हों के एक रिव्यू एप्लीकेशन जिसका नंबर 331-2021 है, इस संबंधी अपडेट है जिमें कि तुहानू स्क्रीन के उपर शो हो रहा है। इस रिव्यू एप्लीकेशन दे विच एक CM फाइल की गई जिसका नंबर है 19595। इस दे विच जो है इस CM उपर जो लास्ट हेयरिंग हुई है 3364 भर्ती के केस उपर वो 20 जुलाई 2022 हुई। उस 20 जुलाई 2022 की तरीक नू इस नू अगली हीयरिंग की जो डेट मिली है वो 23 अगस्त 2022 है। अज 21 तरीक हो चुकी है, परसों इस दी हीयरिंग है। सो यह अपडेट है। इस तो इलावा जो 3364 भर्ती लैके पैनल मीटिंग हुई है उस मीटिंग दे विच भरोसा दवाया गया है कि जो 3364 भर्ती बचाने लई बहाल करवाउण दे लई मजबूती नाल पक्ष रख्या जाएगा। और इस तो इलावा जो 6635 भर्ती दे विच ज्वाइन कर चुके साथी आ उन्हां दे लई ये संदेश है कि वो जो है ग्रुप्स दे विच कहिंदे सी कि जदों असीं 6635 भर्ती दे विच ज्वाइन कर गए, जदों पहली लिस्ट वाले ज्वाइन हो गए, तो ETT 3364 भर्ती दे उपर जो बहाली करवाउण दे लई जो भी फाइनैंशियली कंडीशन दे विच सपोर्ट की जरूरत होएगी वो असी जरूर करांगे। सो उन्हां नू ही एक मैसेज है कि हुण वो वक्त आ गया है, जेकर ETT 3364 भर्ती की संघर्ष कमेटी नू इत्थे जो फाइनैंशियली कंडीशन दे विच जरूरत पै रही है फंड की, तो 6635 भर्ती विच ज्वाइन कर चुके साथियों नू वो सहयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि 6635 भर्ती की जेकर गल करिए करीब करीब 5000 साथी जो है उस दे विच ज्वाइन कर चुके आ। वो 5000 साथियों को चाहिए कि जो भी ETT 3364 लई संघर्ष कर रही है कमेटी उन्होंने फंड की जरूर सपोर्ट करन। और इस तो इलावा ये वीडियो शेयर जरूर कर दौ ताकि 6635 भर्ती दे विच जिन्हें भी साथी ज्वाइन कर चुके आ उन्हां तक ये मैसेज जरूर पहुँचे और वो जो है ETT 3364 भर्ती दे विच संघर्ष कर रही कमेटी फाइनैंशली जो सपोर्ट है वो जरूर करन। इस नाल की होएगा कि जेकर 3364 भर्ती बहाल होंदी है तां ETT कार्डर दे विच ओ साथी जिन्हां दी 6635 दे विच DV नहीं हुई है, DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन जिन्हों स्क्रूटनी भी कहिंदे आ, वो नहीं हुई आ, तां ओ साथियों नू भी एक जो है उम्मीद जागेगी कि उन्हां दा नंबर जो है 3364 दे विच आ जाएगा। सो 3364 भी कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, इस तो इलावा 9894 भी आने वाली है, लेकिन 3364 भर्ती की बहाली लई काफ़ी लंबे समय तो संघर्ष जो है वो चल रहा है। इस भर्ती का बहाल होना जरूरी है, काफ़ी सारिया उम्मीदा इस भर्ती दे नाल जुड़िया हुई हैं, काफ़ी सारे साथी जो है वो ओवरएज होने की कगार पर बैठे आ जेकर ये भर्ती दे विच उन्हां दा नंबर नहीं आता। तो सो इसलिए जरूरी है कि 3364 भर्ती बहाल होए। सो अपना भी फर्ज बनता है जेडे साथी ज्वाइन कर चुके आ वो इस भर्ती बचाने लई भर्ती बहाल करवाउण दे लई फंड की सहयोग जरूर करन। जो भी सुरिंदरपाल गुरदासपुर इस कमेटी लीड कर रही आ शायद, सो उन्हां दा जो अकाउंट नंबर होया या जो भी उन्हां दे कैशियर होए उन्हां दा जो अकाउंट नंबर होएगा वो तुहानू कमेंट बॉक्स दे विच पिन कीता होया मिल जाएगा, तुसीं उत्थे जो है फंड दी सपोर्ट कर सकदे हो। सो ये वीडियो नू वध तों वध शेयर करो, चाहे वह 3364 वाले साथी आ, 9894 वाले साथी आ, चाहे वह 6635 भर्ती विच ज्वाइन कर चुके आ, चाहे वह वेटिंग लिस्ट की वेट कर रहे आ। सो सारयां दा ये फर्ज बनता है कि 3364 भर्ती बहाल कराया जाए। सो जो भी 3364 भर्ती की हीयरिंग होएगी जो भी अपडेट निकल के सामने आएगी वो तुहाडे नाल सांझी की जाएगी। सो वाहेगुरु अगे जो भी जिन्हों भी तुसी मन्नदे हो उन्हां अगे यही अरदास करो कि 3364 भर्ती जो है जल्दी तो जल्दी बहाल होए। सो वीडियो नू पूरा पूरा देखने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।